नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू डेकोरेशन यूट्यूब चैनल और एक नई अपडेट आ रही है विंडोज 7 और 8.1 यूजर्स के लिए। बुरी खबर है, वन ड्राइव का सपोर्ट खत्म कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, जिसके पास पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वन ड्राइव का सपोर्ट है उनके लिए वन ड्राइव का सपोर्ट खत्म किया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि पर्सनल डेस्कटॉप वन प्लस ऐप को अब अपडेट नहीं दिए जाएंगे और इस बदलाव का असर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 यूज़र्स पर पड़ेगा और उनके लिए वन ड्राइव का सपोर्ट खत्म किया जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि यह फैसला 1 जनवरी 2022 यानी कि अगले साल से लागू होगा और ऐसे में विंडोज़ पीसी इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी ने कंफर्म किया कि अगले साल मार्च तक जो है मार्च 22 तक से इन पुराने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए डिवाइस में वन ड्राइव ऐप फाइल्स का सिंक करना बंद कर देगी। और माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम को 10 जनवरी 2023 तक अपडेट सपोर्ट मिलता रहेगा। और बताना ये भी ज़रूरी है कि जब विंडोज़ 8.1 रिलीज़ हुआ था तो इसके डिफाइनिंग फीचर्स में वन ड्राइव का इंटीग्रेशन भी शामिल किया गया था और साथ ही कंपनी फाइल्स क्लाउड स्टोरेज पर सेव करने का विकल्प देती है। सामने आया कि माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज़ 8.1 प्लेटफॉर्म में कुछ फीचर्स के लिए भी सपोर्ट्स ख़त्म कर सकती है और कंपनी विंडोज़ 8.1 लॉन्च होने के करीब 2 साल बाद विंडोज़ 8 के लिए सपोर्ट साल जो है 2016 भी ख़त्म कर चुकी है। तो विंडोज़ 7 के लिए भी साल 2020 सपोर्ट में ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसे एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट जो है 10 सितंबर 2023 तक मिलते रहेंगे। हालांकि वन ड्राइव का सपोर्ट इनके लिए अगले साल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप वन ड्राइव से परिचित नहीं हैं तो बता देंगे कि यह एक सिंक क्लाइंट है जो फाइल्स को क्लाउड सेव में करता है और जब भी आप सेव एज पर क्लिक करते हैं और वन ड्राइव में फाइल सेव करने का विकल्प चुनते हैं तो सिस्टम वन ड्राइव डेस्कटॉप इस्तेमाल करता है। और हालांकि जो यूजर्स इस बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं वे विकल्प के तौर पर दूसरी क्लाउड स्टोरेज ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानकारी के मुताबिक जो है विंडोज़ 10 भी कर सकते हैं इंस्टॉल, तो इसको जो है यूजर्स विकल्प के तौर पर विंडोज़ 10 अब भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका सपोर्ट जो है कंपनी अक्टूबर 2025 को ख़त्म करने वाली है। और इसके अलावा यूजर्स के पास थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स के साथ उनकी फाइल्स ऑनलाइन सेव करने का विकल्प भी होगा, है ना। तो ये सब थोड़ा समस्या उनकी आ रही है जिन्होंने 8.1 या से विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा समस्या होगी कि वन ड्राइव वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और वहीं विंडोज़ 11 का अपडेट भी यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। विंडोज़ 11 OS लाइव हो चुका है और इसका स्टेबल अपडेट यूजर्स को मिल रहा है। यूजर्स अपने लैपटॉप या PC में विंडोज़ 11 को आधिकारिक अपग्रेड मेथड या फिर क्लीन बूस्ट के ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ 11 का फ्री अपडेट उन यूज़र्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है जिनके डिवाइस में पहले से लाइसेंस विंडोज़ OS इंस्टॉल है। और नया अपडेट कई फेज़ में रोल आउट किया जा रहा है और सभी को एक साथ इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अलावा विंडोज़ 11 के लिए फीचर्स अपडेट प्लान की जानकारी दी है और कंपनी ने कंफर्म किया है कि विंडोज़ 11 के लिए साल में एक बार बड़ा फीचर रोल आउट किया जाएगा। तो इसके अलावा कंपनी हर महीने क्वालिटी अपडेट भी विंडोज़ 11 के लिए रोल आउट करती रहेगी और इस तरह हर महीने आने वाली अपडेट के ज़रिए यूजर्स को नए सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे और बग फिक्स भी किए जाएंगे इसमें। तो भैया ये रही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नया अपडेट आया है जिन्होंने अभी तक वन ड्राइव स्टोरेज को यूज़ कर रहे थे क्लाउड स्टोरेज को, तो ये उनके लिए थोड़ा सा समस्या बुरी खबर आई है। और तो कुछ ना कुछ तो उपाय आप लोग कर लीजिए और जिनकी फाइल अभी तक है तो उसको आप थोड़ा सा सेव कर लीजिए, अपनी सिक्योरिटी बरत लीजिए। और कैसी लगी ये जानकारी, कृपया न्यू मीडिया क्रिएशन पर बने रहें और लगातार ऐसे ही कुछ अपडेट पाते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और अपडेट में नए वीडियो के साथ में, तो धन्यवाद।